अच्छा, ये बहुत बड़ा ऐसे है कि आसमान ही टूट पड़ा हो। इस तरह से भी आयरा के साथ हुआ। मैंने लास्ट एपिसोड इसलिए नहीं वी रिव्यू बनाया क्योंकि जो कुछ एपिसोड में होना था ना, वो सब कुछ मैं 1-1.5 माह पहले ही आपको बता चुकी थी कि भई आयरा के भाई की डेथ किस तरह से होनी है वगैरह वगैरह। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि भई आप अपने से ना बातें क्या करें, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप देख लें कि वही सब कुछ हुआ है। आगे कुछ इस तरह से होना है कि मुबशरा जो है कि जैद जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आयरा का है, और मुबशरा का जैद की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करना बिल्कुल बेमायनी सा ही है। तो इसीलिए वो जैद की ज़िंदगी से निकल जाएगी, और वो जिस तरह से कॉम्प्लेक्स में अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव किरदार लेके लोगों के सामने आएगी, जिस पर उसका पहला शोहर मोहिब भी कहेगा कि हाँ भाई, जैद ने बदल दिया है मुबशरा को। आयरा के साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया, वो तमाम लोग आयरा से माफ़ी मांगेंगे, जैसे सबसे पहले जो है मुबशरा का बाप। आगे हमें कुछ इस तरह से भी दिखाया जाएगा कि जैद मुबशरा से माफ़ी मांगेगा।